तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग होम पे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पेंट करने वाले हैं एशियन पेंट का इफको लाइट प्रीमियम इमल्सन से। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये 10 लीटर का बकेट है एशियन पेंट का, और ये दोस्तों मिड रेंज का काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एशियन पेंट का। अगर दोस्तों आप भी इस पेंट को लगाना चाहते हो तो आपको दोस्तों ये जो वीडियो है आपको पूरा देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेंट के बारे में। तो इसका जो कवरेज क्या रहता है, इसका लाइफ क्या रहता है दोस्तों, इसका कलर कोड क्या है, मैं आपको दोस्तों इसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हो ये एशियन पेंट का दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है मिड रेंज पे। और इसका जो फिनिशिंग है दोस्तों, मैं काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ इस पेंट को, तो इसका जो फिनिशिंग है मैट फिनिशिंग आता है और स्मूथनेस भी आता है काफ़ी अच्छा। तो आप देख सकते हो, और दोस्तों इसका सबसे अच्छा बात मेरे को ये लगा दोस्तों, इसमें जो है इसका स्मेल, दोस्तों इसका स्मेल जो है काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो स्मेल है काफ़ी अच्छा लगेगा पेंट होने के टाइम में। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका कवरेज बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो कवरेज हमें मिलता है डबल कोट के अंदर 130 से 150 स्क्वायर फीट, और इसका जो लाइफ है दोस्तों 5 से 6 साल आराम से आपको चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमारा जो पेंट है उसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम इसको पानी से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमारा जो वाल है उस पर अप्लाई करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कैसा रहता है इसका फिनिशिंग। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पेंट है वो वाटर बेस्ड पेंट है, तो इसको हम वाटर से मिक्स करेंगे और इस पर हमने वाटर एड किए हैं 10 लीटर में, 4 लीटर हमारा वाटर रहेगा, तो हमारे जो पेंट है वो दोस्तों 14 लीटर बन जाएगा 10 का। तो आप देख सकते हैं हम किस तरीके से इसको मिक्स कर रहे हैं। इसको मिक्स करना दोस्तों बहुत ही आसान है, आप अपने हाथों से मिक्स कर सकते हो काफी इजीली। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कलर है दोस्तों लाइट पिंक, तो इसका कलर कोड है 7114। तो फ्रेंड्स, आप इस पेंट को लगवाते हो अपने वॉल पे तो सेम यही कलर आपको बन जाएगा इस कलर कोड के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना जो पेंट है उसको लगाते हैं वॉल पे। तो हम अभी रोलर से इसको अप्लाई कर रहे हैं, आप चाहे तो दोस्तों ब्रश से या फिर मशीन से, इन तीनों चीज़ों से अप्लाई कर सकते हो। तो हमारा कलर जो है लग चुका है वॉल पे, और इसको हम 4 से 6 घंटा सूखने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका जो फिनिशिंग है कैसा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आफ्टर ड्राई होने के बाद में हमारा जो पेंट है कैसा लग रहा है वॉल पे। और फ्रेंड्स, इसका जो फिनिशिंग है मैट फिनिश है, और इसमें दोस्तों स्मूथनेस काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्मेल भी आ रहा है हमारा जो वॉल है उस पर, और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।